नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक एग्जेप्टेड कंपनी का जो टोटल पीएफ अमाउंट होता है वो एक आप अनएग्जेप्टेड कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुली प्रोसेस आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं, अगर कोई मेन जो जानकारी होती है अगर आप वो मिस कर देते हैं तो आपका जो पीएफ है वो एक एग्जेप्टेड कंपनी से अनएग्जेप्टेड कंपनी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप बड़े ही आसानी से अपनी एग्जेप्टेड कंपनी का पीएफ अमाउंट अपने अनएग्जेप्टेड कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये लिंक सेम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लॉगिन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपने अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड नजर आएगा, आप उस कैप्चा कोड को इसमें एंटर करेंगे और साथ के साथ साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों साइन इन पे क्लिक करते ही आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम इस यूएन नंबर में सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे कि जिस सर्विस हिस्ट्री में हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारा जो प्रीवियस एम्प्लॉय है वो एग्जेप्टेड है या नहीं है। अगर वो एग्जेप्टेड है तो क्या उसमें पीएफ का अमाउंट या ईडीएलआई दोनों ही एग्जेप्टेड है, या पीएफ का अमाउंट, ईडीएलआई और पेंशन तीनों ही एग्जेप्टेड है, ये सब जानकारी हमें हमारी सर्विस हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। सर्विस हिस्ट्री अगर आप कभी चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के डैशबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे व्यू का। इस व्यू के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का। आप सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। इस सर्विस हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक किस किस कंपनी में जॉब की है और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन डिटेल को फुली देखना चाहता हूं, फुल डिटेल देखना चाहता हूं, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिटेल व्यू का। आप सिंपली डिटेल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये जो सर्विस हिस्ट्री है वो डिटेल में ओपन हो जाएगी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे जो सर्विस डिटेल है वो यहाँ पे फुल ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी मेंबर आईडी नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली मेंबर आईडी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, साथ के साथ यहाँ पे सेकेंड मेंबर आईडी नजर आ रही है। अगर इसके अलावा कोई और मेंबर आईडी है तो वो भी आपको नीचे नजर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली आपकी मेंबर आईडी होगी वो आपकी प्रीवियस वाली कंपनी होगी और सेकंड नंबर पे जो आपकी आईडी होगी वो आपकी प्रेजेंट वाली होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई मेंबर आईडी आपको नजर आएगी तो वो आपकी जो मेंबर आईडी होगी वो लेटेस्ट वाली होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो कंपनी एग्जेप्टेड है, जो प्रीवियस वाली कंपनी एग्जेप्टेड है, उसमें पीएफ, ईडीएलआई और पेंशन इन तीनों में से क्या क्या एग्जेप्टेड है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो पीएफ एग्जेप्शन और ईडीएलआई एग्जेप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें इसके ठीक नीचे दिया, ठीक सामने दिया हुआ है कि आपका जो पीएफ एग्जेप्शन है वो यहाँ पे एग्जेप्टेड है, साथ के साथ ईडीएलआई भी यहाँ पे एग्जेप्टेड है, क्योंकि इसके ठीक आगे यहाँ पे एग्जेप्टेड लिखा हुआ है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो पीएफ है और ईडीएलआई है वो दोनों एग्जेप्टेड है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा पेंशन एग्जेप्टेड है या नहीं है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेंशन एग्जेप्शन के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अननोन। जहां पे भी आपको अननोन नजर आएगा इसका मतलब ये है कि ये अनएग्जेप्टेड है। तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि हमारी जो प्रीवियस कंपनी है उसमें हमारा जो है सिर्फ पीएफ एग्जेप्टेड है और ईडीएलआई एग्जेप्टेड है, लेकिन हमारा जो पेंशन है वो यहाँ पे अनएग्जेप्टेड है। इसी तरीके से अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो सेकंड वाली कंपनी है यानी कि प्रेजेंट वाली है वो एग्जेप्टेड है या नहीं, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीएफ एग्जेप्शन और ईडीएलआई
LIE exemption में यहाँ पे unknown लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये unexempted है। इसी तरीके से आप pension exemption में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी unknown लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी एक unexempted है, यानी कि हमारे हमारी जो member ID है, जो हमारी second वाली है, वो पूरी तरीके से unexempted है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक exempted company में से unexempted company में PF transfer कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे जो हमारा पेंशन का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होता है, इसकी सिर्फ सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर पेंशन का अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ पेंशन का कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होता है, उसकी सिर्फ सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। ये कैलकुलेट तब किया जाता है कि आपको पेंशन का अमाउंट कितना मिलेगा, ये आपका तभी तय किया जाता है जब आप पीएफ अप्लाई करते हैं पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 10C, उसी टाइम कैलकुलेट किया जाता है इस बेस पे कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है और आपकी सर्विस हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका पेंशन अनएग्जेम्प्टेड है, तो ये जो है आपके पीएफ द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो इसमें आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जो आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालेंगे उसी में आपकी सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी जो प्रीवियस कंपनी है वो एग्जेम्प्टेड है पीएफ और ईडीएलआई के लिए, तो इन दोनों के लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसको मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारा कुछ मैं आपको बताने ही वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब हमें ये मालूम पड़ गया है कि हमारी जो प्रीवियस कंपनी है वो एक एग्जेम्प्टेड कंपनी है पीएफ और ईडीएलआई के लिए, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट कंपनी है वो अनएग्जेम्प्टेड है पीएफ, ईडीएलआई और पेंशन तीनों के लिए। तो अब हम प्रीवियस कंपनी का जो टोटल अमाउंट है पीएफ का वो हम अपने प्रेजेंट वाले कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम ऑनलाइन प्रोसेस सबसे पहले यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने वैसा वैसा ही करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे। ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने का जो तरीका है वो ये है कि आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये ऑप्शन जैसे ही आपको नजर आएगा आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो पेज है वो नजर आने लगेगा। इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे आपको कॉलम नजर आएगा वो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का, आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसमें आपकी ही डिटेल होगी। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। इसको वेरीफाई करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और कॉलम मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी इफेक्टेड। तो यहाँ पे आपको आपकी प्रेजेंट अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं। उसके ठीक नीचे आपको एक और कॉलम नजर आएगा जिसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर्ड। तो आप यहां पे अपनी प्रीवियस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आप अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम एक एग्जेम्प्टेड कंपनी से अनएग्जेम्प्टेड कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अटेस्टेशन थ्रू। तो यहां पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप जो यहां पे रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं वो आप यहां पे प्रीवियस एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं या प्रेजेंट एम्प्लॉयर को डालना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि क्योंकि हम एक एग्जेम्प्टेड कंपनी से अनएग्जेम्प्टेड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रीवियस एम्प्लॉयर। आपने गलती से भी यहाँ पे प्रेजेंट सिलेक्ट नहीं करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने वैसा ही करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेंबर आईडी और यूएन नंबर पे आपका यूएन नंबर नजर आ जाएगा। तो आपने इस यूएन नंबर को सबसे पहले वेरीफाई करना है कि आपने जिस यूएन नंबर से लॉगिन किया हुआ है वही यूएन नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। ये वेरीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक आगे आपको एक यहाँ पे बटन नजर आ जाएगा गेट डिटेल्स का, आप जिस इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड टू प्रीवियस अकाउंट। ये मेरे को इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर की एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उस फुल वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे आप
आपको आपकी जो प्रीवियस कंपनी है उसका पीएफ अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डल जाएगी ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे जो फॉर्म अभी अभी हमने अप्लाई किया है। वो फॉर्म हम कहां से डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का। आप क्या करेंगे, सिंपली ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, क्लिक करते ही मैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले पेज में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन क्लेम स्टेटस। अगर आप ऑनलाइन जितने भी क्लेम करते हैं उसकी स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप जितने भी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालते हैं उसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने ट्रांसफर वाली रिक्वेस्ट डाली थी वो यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्म 13। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ट्रांसफर के लिए हम फॉर्म 13 फिल करते हैं, तो जो कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली है तो यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म 13 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, ठीक नीचे इसको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक आइकन मिल जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म नंबर 13 जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो आपकी कुछ डिटेल्स होगी जिसको यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी, यानी कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर और कोड। उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो नीचे आपको एक पार्ट बी नजर आएगा जिसमें यहां पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पीएफ अकाउंट। तो यहां पे आपकी प्रीवियस पीएफ अकाउंट की डिटेल दी होगी जिसको आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद ठीक नीचे आपको यहां पे पार्ट सी नजर आ जाएगा जिसमें यहां पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट पीएफ, यानी कि प्रेजेंट पीएफ अकाउंट की जो भी डिटेल होगी आपको यहां पे नजर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द मेंबर का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसपे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसका एक प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर है यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आपने इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिसमें आपने लगाना है अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और एक कैंसल चेक। ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने इसको अपने प्रीवियस वाले एम्प्लॉयर के एड्रेस पे आपने इसको सेंड करना है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे नोट में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबर शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड अ साइंड कॉपी ऑफ सेम शुड बी सबमिटेड टू द प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट, और आपके प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट का आपको यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका एड्रेस आपको इसी फॉर्म पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे प्रीवियस वाले सेक्शन में जाएंगे। प्रीवियस वाला जो पार्ट था वो आपका था बी, जिसमें आपकी प्रीवियस पीएफ अकाउंट की डिटेल थी, इसमें आपको इसका एड्रेस भी मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आप क्या करेंगे इस एड्रेस को नोट करेंगे और इसी एड्रेस पे आपने कोरियर करना है और आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उस पर भी आपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद आप अपने प्रीवियस वाले एम्प्लॉयर के एड्रेस पे आप इसको सेंड करेंगे जो कि आपको इसी फॉर्म पे मिल जाएगा उनका एड्रेस। और दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कोरियर करने के बाद आप इसकी एक स्कैन कॉपी आप इनको मेल भी करेंगे। मेल आपने इनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे करना है। अगर आपके पास इनकी ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में जो आपको उनकी मेल आईडी प्रोवाइड करा सके, या अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी वहां से इनकी मेल आईडी ले सकते हैं और उस मेल आईडी पे आप एक स्कैन करके आप एक पीडीएफ बना के उनको मेल भी कर सकते हैं।
और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दो काम आपने करने ही करने हैं, एक कोरियर करना है और आपने एक मेल करनी है। तो दोस्तों अगर आप इतना सा काम कर देते हैं तो आपका पीएफ अमाउंट जो है प्रीवियस कंपनी का जो कि एक एग्जेप्टेड कंपनी थी वो ट्रांसफर होके आपकी प्रेजेंट कंपनी जो कि एक अनएग्जेप्टेड कंपनी है उसमें आ जाएगा। और दोस्तों जब आप इतना सा काम कर देते हैं तो 10 to 15 days का टाइम लगता है और आपका पीएफ बड़े ही आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका पीएफ ट्रांसफर हुआ है या नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज ट्रैक स्टेटस में आएंगे और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन सर्विस हिस्ट्री में जाना पड़ता है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम स्टेटस का। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए मैं इस वाले पेज पे यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक क्लेम स्टेटस में और यहाँ पे स्टेटस में आपको यहाँ पे क्लेम स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब आप अपने प्रेजेंट वाले पासबुक पोर्टल पे जाके अपने प्रेजेंट वाले पासबुक को चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका अमाउंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आ रहा है लेकिन आपके प्रेजेंट वाले पासबुक में आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे शो नहीं कर रहा है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है और आपका जो अमाउंट है वो वहां पे शो होने लग जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाएंगे और वहां से आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, एनेक्सर के फॉर्म। एनेक्सर के फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा, एनेक्सर के फॉर्म आपको यहीं पे जब आप आएंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आप जाएंगे। ये देखिए ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे आप और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड एनेक्सर के फॉर्म का। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड एनेक्सर के फॉर्म नजर आने लग जाएगा जिसमें आपको एनेक्सर के फॉर्म यहाँ पे नजर आएगा और इसके लास्ट में आपको एनेक्सर के फॉर्म डाउनलोड करने का आपको बटन मिल जाएगा। आप सिंपली इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से एनेक्सर के फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने छोटा सा काम करना है कि आपने इस एनेक्सर के फॉर्म को अपनी प्रेजेंट वाली कंपनी में सबमिट करवाना है। इस एनेक्सर के फॉर्म में आपकी प्रीवियस कंपनी की सारी हिस्ट्री होती है और जब आप इस एनेक्सर के फॉर्म को अपने प्रेजेंट वाली कंपनी में सबमिट करवा देते हैं तो आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो उस एनेक्सर के फॉर्म में दिया होता है और उसको वो चेक करने के बाद आपके प्रेजेंट वाले पासबुक में उसको ऐड कर देते हैं और आपको आपके प्रेजेंट वाले पासबुक में वो जो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट वो शो होने लग जाएगा। हेलो दोस्तों, तो ये एक फुल प्रोसेस था जिसको फॉलो करके आप अपनी एक एग्जेप्टेड कंपनी का पीएफ अमाउंट अपनी एक अनएग्जेप्टेड कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।